हेलो दोस्तों, मैं आज आपको ये वाला ड्रैगन एमएस बेबलेट बनाकर दिखाऊंगा। पर ये तो आप देख सकते हैं, ये पॉप्सिकल यानी आइसक्रीम स्टिक्स का बना हुआ है। पर भाई, जो मेरा मेन चैनल है, अगर आप मुझको नहीं जानते हो, जिस पे मैंने ये बनाया है, तो भाई वहाँ लोगों ने मुझे बोला, यार इजी बनाया करो, ये पॉप्सिकल नहीं मिल रही लोगों को या और भी कुछ, कार्डबोर्ड बहुत ईजी अवेलेबल है हर जगह। तो मैंने ये चैनल बनाया है ताकि जो साइड की आपकी क्वेरीज होती है, मैं उसको यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल दे के बता दिया करूँ। भाई सबसे पहले तो देखो, आपको ये कार्डबोर्ड लेना है। ये मेरा पुराना बचा हुआ कार्डबोर्ड है, मैंने एक ग्लोब बनाया था, अगर आपने देखा हो तो। ये टेम्पलेट प्रिंट कर लेनी है भाई, मैंने काट लिया ये अच्छे से। अब मैं इस पर पहले तो ये वाइट ग्लू है वो लगा लेता हूँ। ये ड्राई हो चुका है अच्छे से, एक कार्डबोर्ड के ऊपर रख के इसको अच्छे से काटेंगे। फटाफट से इसको काट लेते हैं। देखो ये, देखो भाई मैंने काट लिया है बिल्कुल अच्छे से। अब ये देख सकते हो, थोड़ा एज इस पे अच्छा सा नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं इसको, ये 400 नंबर का सैंड पेपर है, इस पे थोड़ा सा अच्छा से कर ले रहा हूँ। अब हो गया, एक सा हो गया बिल्कुल। अब देखो, कार्डबोर्ड के बेबलेट यार मैं क्यों नहीं बनाता हूँ अपने उस चैनल पे, तो इसका सबसे मेन रीज़न यही आता है। अब जो इसकी ये डिस्क, मान लो कुछ भी कह लो इसको, तो भाई जो इसका वेट है ना, वो यार काफ़ी कम है एक बेबलेट को काम में लेने के लिए। क्योंकि अगर मैं इसको लॉन्चर में डाल के घुमाऊँगा ना, तो इसका वेट इतना नहीं है पूरी बेबलेट का बनने के बाद, कि ये नीचे गिर पाए, इसी में फंस के रह जाएगा ये, देख रहे हो आप। और जो हैवी बेबलेट होते हैं लकड़ी के, ये काफ़ी भारी होते हैं, तो ये स्पिन होने के बाद ऑटोमेटिक नीचे गिर जाते हैं। एक सफिशियंट वेट होना चाहिए, ज़्यादा भारी हो गया तो वो स्पिन होने से पहले ही भाई गिरा डोलेगा वो। तो भाई इसीलिए पहले तो मैं इसको, ये आप सुपर ग्लू है, देख लो भाई, बहुत लोग इसका ये पूछते हैं भाई कौन सा है कौन सा, ये देख लो ये वाला, इसको यूज़ करना है इसमें, इसको पूरा भाई निला देना है इससे। इससे यार थोड़ा सा इसमें वेट बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, और जो इसके एज है ना वो भी मजबूत हो जाएंगे। तो बस ये हो गया है, आपको इसको थोड़ा सा सूखने दो। ये देख लो आप, ये अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो चुका है और काफ़ी मजबूत भी है। अब तो इसी तरह से आपको सारे जो ये पीसेज हैं काट लेने हैं, जितने भी आपको टेम्पलेट में मिलेंगे अगर आप बनाना चाहते हैं तो। ये देखो भाई, मैंने सारे लगभग काट लिए हैं ये। पहले मैं इनको साइड में कर लेता हूँ। अब हमको इनको ऐसे लगाना है, ये चीज़ ऊपर आनी चाहिए, इनको ऐसे मैच करके। तो भाई आपको यही वाला ग्लू यूज़ करना है। इस ग्लू के दो फायदे हैं यार, इससे जल्दी सूख जाता है, इसको पकड़ के बैठने नहीं पड़ता, देखो ये तुरंत सूख गया डाल। और इससे जो कार्डबोर्ड है वो मजबूत भी हो जाता है। तो भाई ये दोनों अच्छे से स्टिक हो गए हैं। अब मुझे ये उनके एज है ना, उनको ये सैंड पेपर से आपको स्मूथ करना है। 80 नंबर का सैंड पेपर है, ये देख सकते हो आप, 80 नंबर का है। स्मूथ करके मुझे इस पर कार्डबोर्ड की स्ट्रिप निकाल के चुपकानी है, जिसके बाद ही इसमें मैं पेंट कर पाऊँगा। ये देखो भाई, पूरा अच्छे से सैंड हो गया है, बिल्कुल एकदम इवन हो गए दोनों कार्डबोर्ड के एजेस। अब मुझे इस पर ये वाली स्ट्रिप लगानी है ऐसे। ये भाई देखो, मैंने काट लिए इसको, इस पर ऐसे मैं चिपकाता हूँ। ये देखो भाई, मैंने पूरा कार्डबोर्ड की वो लगा दिए चारों तरफ, और अंदर भी लगा दिए, और मैंने इसको सुपर ग्लू से यानी फेविक्विक जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ फ्लेक्सी की, उससे पूरा भाई इसको नहला दिया है। देखो काफ़ी सही इसका वज़न हो गया है। तो ऐसे ही मुझे सारे पीस कर लेने हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो भाई, इन चार पीस का ऐसे लगा के
बिल्कुल ऐसा ही आपको एक पीस बना देना है सेम टू सेम। तो यार अपना ये पीस भी रेडी हो गया है, देखो आप काफ़ी मजबूत हो गया, ये भी सही वेट भी हो गया, इनमें कोई एक्स्ट्रा वेट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर पड़ेगा तो मैं बाद में देखता हूँ इनको। और एक पीस देखो ये भी रेडी है, अब अपन को ये तीन पीस स्टिक करने हैं क्योंकि इनका एक ही कलर है बेब्लेड में सिल्वर, फिर हम इनको स्टिक करके इन पर सिल्वर कलर करेंगे। ये मैं पिन का यूज़ सेंटर मिलाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको चिपका लेता हूँ। भाई ये लग गए आपस में, अब ये वाला लगाना है मुझे, तो इसमें पहले सेंटर मैच करने के लिए जिसमें से ये कटा हुआ पीस है उसको दोबारा लगा के सेंटर मैच करके इसको चिपकाना है मुझे। तो मैं ग्लू लगाने से पहले इसको निकाल लेता हूँ वरना ये चिपका रह जाएगा। मैं बस यहाँ पे ग्लू लगा देता हूँ, बस चिपक गया अपना एक पीस रेडी हो गया ये। अगर आप चाहो तो ये डिटेलिंग के लिए ये भी लगा सकते हो, ये पीस भी है इसमें टेम्पलेट में, ऐसे यहाँ लगेंगे ये। ये ऊपर वाला पीस भी रेडी कर लिया है मैंने, इसका कलर अपन को वाइट करना है। मेरे बेब्लेड के भाई सारे पीस बिल्कुल रेडी हैं बनके, और मैंने ये देखा कि थोड़ा सा इसका वेट थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो इसलिए मैं इसमें जो आप देख सकते हैं ये मैंने पेंसिल से ही मार्क किया हुआ है, ये बॉल इसमें डालनी है होल करके, ये ऑप्शनल है, इससे थोड़ा सा बेब्लेड देर तक घूमेगा और आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको कर लेता हूँ पहले, तो ये होल हो गया, इसमें मैं ये डाल देता हूँ, फिर मैं इसको ग्लू कर दूँगा, फिर ऊपर एक पेपर लगा के इसको दोबारा से सैंड कर दूँगा, ऐसा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये देख सकते हो आप, मैंने इसमें सारी मैग्नेट की बॉल डाल दी है, अब इसका वज़न थोड़ा सा अच्छा सा हो गया, और ये बॉटम पार्ट है इसका, इसको भी मैं चिपका लेता हूँ। ये अच्छे से चिपक गया है, इसमें एक और पीस रह गया है ये वाला देख सकते हो आप, पहले मैं इसको भी चिपका लेता हूँ। अब ये पीस आपको इसमें चिपकाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि पहले आपको इसको चेक कर लेना है अच्छे से फिट आ रहा है कि नहीं, टाइट हो रहा है इसमें, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट है तो इसको आप थोड़ा सा सैंड कर लें, अगर ये बिल्कुल ही लूज़ हो रहा है तो आप इस पर ये वाला थोड़ा सा ग्लू लगा के फिर ये सूख जाएगा, तो एक लेयर हो जाएगी मोटी सी, तो फिर ये टाइट हो जाएगा आपका। अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो एक कागज़ भी चिपका सकते हैं आप इस पर एक्स्ट्रा पेपर। मैं आपको कलर करने से पहले दिखा देता हूँ कैसा थोड़ा सा लगेगा, मैं खुद भी देख लूँ, ये पीस ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा, नीचे ऐसे लगेगा, फिर यहाँ पे हमको एक ड्रिल करके एक वो भी लगानी है बॉल, वो लास्ट में लगाएंगे कलर करने के। कलर करने के बाद यार मुझे लग रहा है मस्त, पता नहीं, चलिए कलर करके देख लेते हैं। तो पहले तो भाई अपन सिल्वर कलर कर लेते हैं, स्प्रे पेंट करूँगा मैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के पास नहीं होगा, तो आप नॉर्मल पेंट भी कर सकते हो। एक दिन हो गया है पूरा, ये देख लो आप सारी चीज़ें अच्छे सूख गई हैं। ये मैंने ऐसी नॉर्मल पोस्टर कलर से कर दिया है क्योंकि मुझे बाद में याद आया, तो मैंने कि सूखने में फिर एक दिन का वेट करना पड़ेगा मुझे, ये भी देख सकते हो आप। पहले मैं जो मैंने स्टिकर काट के रखे हैं टेम्पलेट में वो चिपका देता हूँ, मैं बस दिखा देता हूँ, कोई इसमें ज़्यादा ट्रिकी चीज़ नहीं है, ये इनको यहाँ लगाना है। देख रहे हो भाई कितना मस्त लग रहा है स्टिकर लगा के, ये बिल्कुल नहीं लग रहा है ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है।
अब मैं इसको लगा देता हूँ इसमें। थोड़ा सा मैं इसको घुमा के देख लेता हूँ। ठीक है, इस लास्ट पीस जो बचा है इसको भी लगा देता हूँ मैं। होल तो हो गया भाई। अब मैं इसमें ये चिपकाना है आपको, इसमें छोटी वाली इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इससे इसका थोड़ा सा वज़न और बढ़ जाए। अब इसको भी मैं इसको चिपका लेता हूँ। तो भाई पहले लॉन्च करने से पहले मैं आपको एक ये चीज़ दिखा दूँ यार, ये उम्मीद से मेरी ज़्यादा ही अच्छा बन गया है। मुझे ये कार्डबोर्ड का तो दिख ही नहीं रहा कहीं से। ये भी देख लो, ये लकड़ी का है यार, काफ़ी सही बन गया है। चलो इसको घुमा के देखते हैं। ये बिल्कुल मैं पहली बार मारा। बहुत ही सही घूम रहा है। तो भाई मेरा तो बेबलेट बन गया है, काफ़ी सही बनाया है। आप भी बना के एक बार ट्राई मारिए यार, ये कार्डबोर्ड का तो बहुत इजी है बनाना। इसको तो बना के देखो, काफ़ी सही भी लग रहा है। आप भी बनाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी टेम्पलेट्स की। अगर जो लॉन्चर आप ये देखना चाहते हैं, ये वाला लॉन्चर, इसकी मैंने पहले वीडियो बना लिया, बहुत पुराना है ये लॉन्चर मेरा, 1-1.5 साल पुराना है। तो इसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो का। तो अगली वीडियो मिलता हूँ मैं आपसे।